सर यहाँ पे दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो यार मैच स्टार्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मैच को देखने में। तो यार कौन जीतने वाला है यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो यार दोनों टीम्स तैयार हो चुकी हैं और अभी पहला राउंड शुरू हो जाएगा और देख सकते हैं आप बॉस की तरफ से कितने खतरनाक प्लेयर्स हैं और इधर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर्स हैं। सो यार देखते हैं कौन जीतेगा, जिद्दी विजार्ड एजेंट तो यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो यार इसी के साथ पहला राउंड शुरू हो चुका है, विजार्ड के पीछे से जा रहे हैं और बाकी के तीन प्लेयर्स आगे से जा रहे हैं और यहाँ पे लव यू पगली और ऊपर का मतलब कि आराम से जोन के साथ खेलना चाहते हैं, आराम से जोन का फ़ायदा उठाएंगे और सभी अपना अपना कवर लेके आराम से खड़े हैं। और यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है लव यू पगली को, ग्लूवल डालने से पहले ही नॉकडाउन कर दिया है। बहुत सही यार, मतलब इतना फास्ट ये लोग मार रहे हैं हेड पे हेड, तो यहाँ पे बाकी लोग भी कवर पे हैं और सामने से विजार्ड उस लव यू पगली को संभाल रहे हैं। यहाँ पे दो दो नाम है लव यू पगली। ओके बॉस विजार्ड ने एक और किल ले लिया है अपना, तो बहुत सही यार। और आई एम रवि को भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है, तो वो हील अप कर रहे हैं और एजेंट भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब पूरा पैक करके। और यहाँ पे आई एम रवि को स्टार बॉय लेके जा चुके हैं, बहुत ओपी गेम प्ले हो रहा है। और ध्रुव अंशु उनकी टीम से बच चुके हैं जो कि ऊपर का कवर लेके खड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ध्रुव अंशु को यहाँ पे मैच विनिंग कर सकते हैं और नीचे से ग्लूबल डाला जा रहा है, भाई साहब क्या बात है। ओ भाई इनको तो मतलब पूरा बंद कर दिया, अब ये ग्लूबल तोड़ेंगे भाई साहब, ग्लूबल तोड़ रहे देख रहे हो। क्या ध्रुव अंशु यहाँ पे मैच लेके जा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लेके जा सकते क्योंकि सामने विजार्ड हैं और वो ऊपर से इनको डैमेज दे देंगे अगर, और आगे चल के मतलब ये ग्लूबल में एक और बार पैक होना पड़ेगा। और विजार्ड नीचे आ चुके हैं और एजेंट इनके जस्ट नीचे हैं और ये क्या करने वाले हैं फिर से, मतलब एजेंट पूरा का पूरा मतलब उनको ग्लूबल से आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे और सामने की तरफ कौन था, स्टार बॉय सामने चले गए थे विजार्ड के प्लेस पे। कोई बात, बहुत अच्छा गेम प्ले यार बॉस की तरफ से, काफ़ी ओपी गेम प्ले देखने को मिला। और यहाँ पे एजेंट के जीरो किल हैं इस समय और बाकियों के दो एक एक हैं और एजेंट ने इस राउंड में कोई डैमेज नहीं किया, तो कोई बात नहीं आगे भी बहुत सारे राउंड्स आएंगे, लेट्स सी क्या होने वाला है यार। बहुत ओपी गेम प्ले देखने को मिल रहा है बॉस की तरफ से और सामने की टीम अभी तो चुप है पर बाद में पता नहीं क्या शोर मचाएगी। ओके तो यार यहाँ पे ग्लूबल से आगे बढ़ा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इस राउंड में कौन जीतने वाला है। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। ओके ध्रुव अंशु रवि और आई एम पगली, मतलब दो पगली है ना, तो यार ये तीनों एकदम साथ है और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इनसे अलग है, तो और उसको घेर के मार दिया है जिद्दी ने, तो भाई साहब मतलब पूरा बॉस उसको घेर के मार चुका था। और आई एम रवि भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, स्टार पर उनको किल लेके जा सकते हैं, पर उससे पहले एजेंट ने यहाँ पे लव यू पगली नाम के प्लेयर को ख़त्म कर दिया है। तो यार बहुत ओपी गेम प्ले देखने को मिल रहा है पूरी बॉस टीम की तरफ से। सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर बचा है, रवि को भी लेके जा चुके हैं स्टार बॉय आई थिंक, और भाई साहब कौन लेके जाएगा ये किल। और भाई साहब जिद्दी को नॉकडाउन कर दिया था बट विजार्ड ने उसको मार दिया है, तो बहुत सही यार बहुत अच्छा। सर ये थर्ड राउंड होगा 11 राउंड्स का, जिसको नहीं पता कि ये मैच होने वाला है, तो यार बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या ये मैच पूरे 11 राउंड्स खेला जाएगा, देखते हैं यार क्या बॉस गिल जीत जाएगा या फिर सामने वाली टीम जीत जाएगी। बहुत दोनों ही टीम बहुत खतरनाक है यार, ऐसा मत समझिए सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा नोबड़ी है, नहीं यार सामने वाली टीम बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे विजार्ड और जिद्दी सामने की तरफ और चारों ही प्लेयर सामने से ही आ रहे हैं आई थिंक, और ये एक दो नंबर का प्लेयर मतलब लव यू पगली उस साइड से थोड़ा सा कवर देने की ट्राई करेंगे और सामने से फाइट लेंगे इनके तीन प्लेयर्स। और यहाँ पे एक बंदे को नॉकडाउन कर दिया है, वाह स्टार बॉय फर्स्ट ब्लड ले जा चुके हैं और यहाँ पे विजार्ड को नॉकडाउन कर दिया है, बहुत सही। और यहाँ पे विजार्ड की किल भी कन्फर्म कर देंगे, क्या बात है विजार्ड को मार दिया आई एम रवि ने बहुत ओपी गेम प्ले दिखाते हुए आई एम रवि। और यहाँ पे स्टार बॉय हील अप करते हुए और जिद्दी उनसे फाइट ले रहे आई एम रवि से और एजेंट ने लवी पगली को मार दिया है बहुत ओपी, ग्लूबल में पैक करके उन्हें उनकी किल कंफर्म कर दी है। और आई एम रवि से स्टार बॉय भिड़ते हुए और स्टार बॉय बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यार क्या बात है, सिर्फ दो ही प्लेयर बचे हैं और स्टार बॉय देखिए कितना डैमेज है, दो प्लेयर से लड़ते हुए और क्या बात है। ओ भाई ये क्या हुआ,
उनको पता नहीं था कि ग्लू बॉल का पूरी तरह से उनको कवर ही नहीं मिला था भाई साहब। एक ही राउंड में मतलब 3 किल, रवि ने ट्रिपल किल के साथ यहाँ पे अपनी टीम को 1 पॉइंट दे दिया है। तो यार अब देखते हैं इस राउंड में रवि का क्या कमाल दिखाते हैं और इस भी राउंड को क्या ये जीत पाते हैं। 14 राउंड शुरू हो चुका है और यहाँ पे सामने वाली टीम के बहुत ज़्यादा किल्स हो चुके हैं। यहाँ पे रवि ने पिछले राउंड में बहुत ज़्यादा कमाल का गेम प्ले दिखाया था, तो देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। सो यार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्लू बॉल्स का कवर लेते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत ओपी यार, बहुत ओपी। सामने की टीम भी आगे आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अभी विजार्ड पूरा फुल कवर, और भाई साहब वन टैप मार दिया है यहाँ पे डेजर्ट ईगल के साथ। ध्रुव अंशु को यहाँ पे लेके जा चुके हैं वन टैप के साथ। तो भाई और रवि को बहुत ज़्यादा डैमेज, और जिद्दी को नॉकडाउन कर दिया है यहाँ पे रवि के साथ, मतलब फाइट लेते हुए रवि को नॉकडाउन कर दिया यहाँ पे जिद्दी को बचाते हुए, बहुत सही। और वहाँ पे एजेंट भी नॉकडाउन हो चुके हैं और यहाँ पे लव यू पगली ने एजेंट का किल कंफर्म कर दिया है और यहाँ पे 2 ही लव यू पगली बचे हैं। सो यार कौन जीतने वाला है ये वाला राउंड? सामने की तरफ भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो विजार्ड और जिद्दी अभी हील अप हो चुके हैं और विजार्ड के एकदम सामने लव यू पगली हैं और इनके सामने स्प्रिंट करके ग्लोबल डाल दिया है। और भाई साहब कितना डैमेज दे चुके हैं दोनों ही टीम। और यहाँ पे जिद्दी को एक ही प्लेयर ने संभाल लिया था जो कि लव यू पगली हैं, और यहाँ पे लव यू पगली के ट्रिपल किल हो चुके हैं। तो बहुत ही ओपी खेलते हुए यार, मतलब इस मैच में ट्रिपल किल ये मैच के एम जाता है लव यू पगली को। तो भाई साहब बहुत ओपी शानदार गेम प्ले दिखाते हुए हर एक राउंड में कोई ना कोई बंदा ट्रिपल किल करता हुआ। अभी ये वाला राउंड कौन जीतने वाला है? क्या बॉस जीतेगा या फिर सामने वाली टीम जीत जाएगी? और यहाँ पे फुल मतलब इस बार ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं थोड़े से, और क्या मतलब इस बार कौन ट्रिपल किल लेके जाता है या फिर ये लोग हार जाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए ये वाला मैच। तो यार अभी पूरा ग्लू बॉल का कवर लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सामने की तरफ से भी यही हो रहा है, दोनों ही टीम एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मस्त यार, मतलब दोनों टीम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है कोई। और यहाँ पे एक प्लेयर को ध्रुव अंशु को नॉकडाउन कर दिया है, वहाँ पे अकेली शायद से पड़ गए थे और यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, बहुत सही रिवाइव दे चुके हैं। लगी पगली लॉकडाउन हो चुके हैं और जिसने पिछले मैच में ट्रिपल किल किया था, और यहाँ पे एजेंट का फर्स्ट ब्लड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और सामने की तरफ से लव यू पगली को नॉकडाउन कर दिया है यहाँ पे, दोनों लव यू पगली यहाँ पे मर चुके हैं और वहाँ पे रवि भी मर चुके हैं अब तो। और उस टीम से सिर्फ और सिर्फ ध्रुव अंशु बचे हैं, तो कोई बात नहीं, सभी हीलअप कर रहे हैं जो भी डैमेज थे। और एजेंट यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ते हुए, एनिमी की तरफ बढ़ते हुए, और सामने ही एनिमी है और क्या यहाँ पे मार पाएंगे एजेंट? बहुत ही अच्छा मतलब फाइट लेते हुए 1v1 करते हुए, ओ भाई साहब एजेंट को नॉकडाउन कर दिया है, क्या बात है, बहुत ओपी गेम प्ले दिखाते हुए ध्रुव अंशु भी एक प्लेयर को तो नॉकडाउन कर दिया है। और यहाँ पे सामने की तरफ से विजार्ड और जिद्दी आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पे लेके जा पाएंगे किल्स? बहुत ज़्यादा डैमेज देते हुए विजार्ड को भी और जिद्दी, और दोनों सामने आ गए हैं, बहुत काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे यार सबको। ओपी जिद्दी का किल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों 3-2 का हो चुका है यहाँ पे स्कोर, तो क्या यहाँ पे फिर से कमबैक करेगी सामने वाली टीम या फिर बॉस भी ये वाला राउंड लेके जा सकते हैं? तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा किल कर चुके हैं विजार्ड, देखिए 5 किल कर चुके हैं अब तक, अपने टीम के हाईएस्ट हैं किल करने में, तो देखते हैं क्या होता है। और उस टीम से यहाँ पे आईएम रवि ने 4 किल कर दिए हैं, तो लव यू पगली ने एक ही मैच में 3 किल किए थे जो कि 4th राउंड था, तो उसके बाद इन्होंने किल ही नहीं किया, ना ही उससे पहले किए थे। सर यहाँ पे दोनों ही टीम्स आगे बढ़ती हुई, एक 4 नंबर इनकी टीम से ध्रुव अंशु है जो काफ़ी पीछे रह गया है, और यहाँ पे ऊपर से इस बार डैमेज देने का सोचा है इन्होंने, तो सभी एल शेप का घर लेके बैठ गए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे क्या मतलब सामने भी आ गया एक प्लेयर, और यहाँ पे सामने भी आ चुका एक प्लेयर, तो क्या विजार्ड उनसे फाइट लेके उनसे जीत पाएंगे? स्टार बॉय भी डैमेज हो रहे, वो भी किसी से फाइट ले रहे, और यहाँ पे स्टार बॉय ने किल कर दिया है ध्रुव अंशु का, क्या बात है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे लव यू पगली भी एल शेप पे ही अभी तक, और वो एल शेप को पैक कर रही हैं, और यहाँ पे विजार्ड को मार दिया लव यू पगली ने, तो बहुत ओपी यार।
और यहाँ पे पीछे स्टार बॉय आ गए हैं, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे स्टार बॉय थोड़े से डैमेज हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा डैमेज देते हुए स्टार बॉय उनको, और स्टार बॉय को मार दिया है लवी पगली ने, ऊपर से एल शेप से मार दिया। और यहाँ पे अब बचा है कौन, एजेंट और जिद्दी बचे हैं, जो कि एजेंट एल शेप में है और जिद्दी भी एल शेप के अंदर ही है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे 2v2 सिचुएशन बन चुकी है, दोनों ही लवी पगली जिंदा है, यहाँ पे एजेंट और जिद्दी जिंदा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन जीतेगा ये राउंड। और जिद्दी यहाँ पे डैमेज देते हुए, बहुत ही शानदार डैमेज यार गिर रहा है उनका लवी पगली, और यहाँ पे एक को नॉकडाउन कर दिया है, बहुत शानदार यार। और जो लवी पगली वहाँ पे एल शेप का कवर लेके बैठे थे, वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बात है, ऊपर से नीचे गिरते हुए काफ़ी डैमेज दे चुके हैं, बहुत ही शानदार। पीछे से एजेंट जा रहे हैं उनके पीछे ताकि वो उनको मार पाए, और पीछे से ग्लूवर डाल दिया है यहाँ पे, एजेंट को नॉकडाउन कर दिया है और जोन उनको काट रहा है और वो एलिमिनेट हो गए। तो इसी के साथ स्कोर है 4-2 का। तो भाई साहब बहुत ही शानदार गेम प्ले, बहुत बढ़िया गेम प्ले बॉस गिल्ड की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यार यहाँ पे इमोट्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, बहुत ओपी बहुत ओपी। देखना तो ये होगा कि ये वाला राउंड कौन जीतता है। तो पूरे मतलब पूरा का पूरा टीम इमोट दिखा रहा है, तो बहुत ही शानदार। बॉस टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे ये वाली टीम भी आगे बढ़ रही है, और क्या होने वाला है, कोई अलग स्ट्रेटजी। और यहाँ पे लवी पगली पीछे से जा रहे हैं बाकी इनके तीन प्लेयर्स, और अरे ये लोग ऊपर जा रहे हैं, ध्रुवंशु यहाँ पे पीछे से जा रहे थे, और यहाँ पे पीछे से ये लोग इधर आके बैठ गए। चलिए वो तीन यहाँ पे फाइट ले रहे हैं, बाकी के ये ध्रुवंशु पीछे से कवर दे रहे हैं, दो दो करके पेयर्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे रवि ने दूर से डैमेज दिया, हेड भी लगा दूर से, और विजार्ड ने एक किल कंफर्म कर दिया है, ध्रुवंशु को यहाँ पे मार दिया जो कि अकेले पड़ गए थे पीछे की साइड रह के। और यहाँ पे 9-7 का डैमेज पड़ता हुआ, और यहाँ पे गिर चुके हैं, बहुत सही, काफ़ी शानदार MP40 के साथ मतलब कि अपना कमाल दिखा रहे हैं। और सामने विजार्ड है और जिद्दी भी सामने से आ चुके हैं, और यहाँ पर मारे जाएंगे, बहुत सही यार। जिद्दी ने बहुत ज़्यादा डैमेज खा लिया था, और यहाँ पे क्या हुआ ये, मतलब एजेंट ने आके वहाँ पे उनको बचाया, क्योंकि लव यू पगली को मारने के साथ ही वहाँ पे आई एम रवि आ चुके थे जिसको मिस्टर एजेंट ने मार दिया है। तो बहुत सही यार, यहाँ पे आई एम रवि की किल भी यहाँ पे खा चुके हैं, और लव यू पगली ने एक को मार दिया है यहाँ पे जिसका नाम है स्टार बॉय। 1v1 फाइट हो रही थी वहाँ पे, यहाँ पे लव यू पगली ने स्टार बॉय को यहाँ पे मार दिया बहुत ही शानदार तरीके से। तो यार यहाँ पे ऊपर की तरफ ये हैं और वो लोग नीचे ही तरफ हैं, तो यार देखते हैं क्या होने वाला है। और वो लोग नीचे हैं, तो क्या यहाँ पे ये जीत सकते हैं, मुझे नहीं लगता यार ये जीत सकते हैं। लवी पगली फिर भी 4 किल हैं अपनी टीम के, मतलब कि ठीक ठाक है, सबने 4-4 किल किए हैं। ध्रुवंशु एक भी किल नहीं कर पाए अब तक, बहुत सही। स्टार बॉय उनकी टीम से मारा गया है, बस उनकी टीम के 3 प्लेयर्स हैं, और डैमेज तो नहीं पड़ा नीचे गिरने के बाद काफ़ी। और यहाँ पे जिद्दी आ गए इनके मुंह पे, और जिद बहुत शानदार यार, मिस्टर रेंजर को यहाँ पे किल मिल चुका है। तो भाई ये मैच तो एक दरफा होता जा रहा है, यहाँ पे बॉस की तरफ से मैच जाता हुआ, और अगर कमबैक नहीं किया सामने वाली टीम ने तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे यार। 5-2 का हो चुका है, अभी सिर्फ एक राउंड और जीतना है और उसके बाद मैच ख़त्म। तो यार यहाँ पे कमबैक करना होगा, नहीं तो बॉस जीत जाएगा। बॉस की तरफ से चारों ही प्लेयर्स का बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पर इस टीम से ध्रुवंशु एक भी किल ना करके बहुत ही ज़्यादा निराश किया है अपनी टीम को। तो क्या यहाँ पे ध्रुवंशु इस मैच में कुछ कमाल दिखाएंगे, कुछ तो अजब गजब करेंगे, जो कि उनकी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ पे विजार्ड और लवी पगली का अपने सामना हो रहा है, और यहाँ पे सब थोड़ा सा अलग अलग जा रहे हैं। यहाँ पे लवी पगली एक जो प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग जा चुके हैं, और इस तरफ से सब फाइट लेते हुए। तो क्या देखने को मिलता है, क्या स्ट्रैटेजी इस बार ही अपनाई है, मतलब इनका एक प्लेयर अलग जाता, और एजेंट ने यहाँ पे एक को नॉकडाउन कर दिया है, और बहुत सही। और जिद्दी ने भी यहाँ पे एक को नॉकडाउन कर दिया है, जिद्दी का फर्स्ट ब्लड हो चुका है, और एजेंट ने भी यहाँ पे एक किल कर दिया है, तो बहुत सही। लवी पगली ने एक को खा लिया है, लवी पगली ने स्टार बॉय को फिर से लेके जा चुके हैं, बहुत सही यार बहुत सही। मतलब पर यहाँ पे इस टीम की तरफ से रवि और लवी पगली जा चुके हैं, और विजार्ड एजेंट और जिद्दी 3 प्लेयर बचे, 3 vs 2 का सिचुएशन बन चुका है।
तो ये टीम तो एकदम साथ साथ है। अब देखते वो, अरे ये खड़े रह गए थे भाई साहब, अब भी ये नॉकडाउन हो सकते थे, तो कोई बात नहीं, अभी नॉकडाउन हुए तो नहीं। और मिस लेजेंड ने यहाँ पे एक और किल कर दिया है ध्रुव अंशु का, तो यहाँ पे लव यू पगली और विजार्ड भाई की वन वी वन सिचुएशन में जीते हैं लव यू पगली। और यहाँ पे दो बंदे के सामना कैसे कर पाएंगे लव यू पगली, देखते हैं। अगर ये चमत्कार हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार गेम प्ले है सबका यार यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डैमेज, इतना डैमेज खा के प्रिंट करते हुए ग्लू बॉल्स के साथ कवर लेते हुए विजार्ड को तो पूरा यहाँ पे ख़त्म करने का ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पाए पूरा ख़त्म। और यहाँ पे हीलअप हो रहे हैं, विजार्ड को मेरे ख्याल से रिवाइव दे देंगे, हाँ रिवाइव दे चुके हैं विजार्ड को। और बहुत ही सही, बहुत ही शानदार गेम प्ले अभी देखने को मिल सकता है विजार्ड। और यहाँ पे जिद्दी सामने से चुके हैं और ख़त्म, एजेंट ने यहाँ पे एक और किल कंफर्म कर दिया है, बहुत ही शानदार। एजेंट को यहाँ पे एम मिल चुका है और उस दिन से ध्रुव बन चुका, एट लास्ट कोई भी किल नहीं रहा, डैमेज रहा, नॉकडाउन किया बट कोई किल नहीं।